हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड आई एम प्रियंका शोरान इन द प्रीवियस वीडियोज वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ एवोल्यूशन दैट वी हैव कम्पलीटेड द नाइंटी परसेंट ऑफ एवोल्यूशन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन तो जितनी भी लाइफ की ओरिजिन की थोरीज हैं एविडेंसेज हैं जो ऑर्गेनिक लाइफ है उसकी जो थ्योरीज है उसको कह सकते हैं थ्योरीज ऑफ और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वो सब कम्प्लीट हो गया है डार्विन की लेमार्क की ह्यूगो वेलीज़ की इन सब की थ्योरीज को कवर करते हुए जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह जाता है वो क्या है ह्यूमन इवोल्यूशन कि जो ह्यूमन है उसका इवोल्यूशन उसका ऑरिजिन कैसे हुआ और उसके एनसेस्टर्स कौन हैं कहाँ से उसके पूर्वज कौन हैं और कैसे या फिर जो वर्ल्ड का वो कौन सा एरिया था कौन सा पार्ट था जहाँ से ह्यूमंस का ओरिजिनेशन हुआ ह्यूमंस ने इवॉल्व किया सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज तो जो ह्यूमंस के पूर्वज थे वो कौन से थे ट्री श्रूज क्या थे ट्री श्रू तो देवर द दे रियल एंसेस्टर्स ठीक है ट्री श्रू क्या थे रियल एंसेस्टर्स थे रियल प्राइमेट एनसेस्टर्स थे किनके ह्यूमन के नाउ ये जो ह्यूमन है किससे इवॉल्व किया इसने एप से मंकी से और मंकी में भी कौन सा जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है दो तरह के मंकी होते हैं न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड तो जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है वो हू या नाइन्टी परसेंट क्या है रिलेट करता है ह्यूमन से कैसे इफ़ आर टॉकिंग अबाउट टिथ तो टिथ जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में कितना है इट्स टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री इंटू टू दैट इज थर्टी टू कितने दांत हैं बत्तीस दांत हैं लेकिन अगर मैं न्यू वर्ल्ड मंकी की बात करूं तो इट्स टू वन थ्री थ्री अपॉन टू वन थ्री थ्री इंटू टू दैट इज थर्टी सिक्स तो जो न्यू वर्ल्ड मंकी है उसमें अराउंड थर्टी सिक्स टेथ प्रेजेंट हैं लेकिन जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी थे उनके अंदर कितने थर्टी टू टेथ प्रेजेंट थे जो ह्यूमन में भी होते हैं सेकेंड थिंग इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकल सो दैट वॉज फाउंड इन द फीमेल्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड मंकी बट इट्स एबसेंट इन द न्यू वर्ल्ड मंकी प्रेजेंट इन द ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड एबसेंट इन द न्यू वर्ल्ड मंकी तो ये हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है वो रिलेट करता है ह्यूमन से और कई बार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ जाता है लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन द ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड न्यू वर्ल्ड मंकी तो एक या दो नंबर में क्वेश्चन आता है तो इन दोनों चीजों से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो अब हम कह तो रहे हैं कि जो एप्स हैं और जो मंकी बोल दो एप्स बोल दो वो ह्यूमन से रिलेट करता है लेकिन उसका सबूत क्या है एविडेंस क्या है तो एविडेंस ये है नंबर जो बेंडिंग है।, है वो बिल्कुल सेम है एप्स में भी और ह्यूम्स में भी एप्स में भी और ह्यूम्स में भी जो स्कल है अगर मैं एप्स का कल की बात करूं या ह्यूमन का जो अडल्ट है उसके स्कल की बात करूं तो वो भी सेम है कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो सेम इन द एप्स एंड एंड द द ब्लड ग्रुप सीरीज दैट इज एबी ब्लड ग्रुप सीरीज इज ऑल्सो कॉमन और सेम इन द मंकी एंड ह्यूमन और वी कैन से एप्स एंड ह्यूमन तो जो ह्यूम है कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं दे बिलोंग टू द ऑर्डर प्राइमेटा। कौन सा ऑर्डर है उडर, प्राइमेटा, क्लास, Now, अब evolution की बात करेंगे real evolution, जो इससे में, नीट में हमेशा एक क्वेश्चन आता है तीन पार्ट बनते हैं भाई सीरीज पूछ लेगा एक तो कि पहले कौन सा जो ह्यूमन है वो इवोल्व हुआ था इनको सीरीज में लगाओ सेकंड इनके जो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं या फिर कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ इसी में पाया जाएगा वो पूछ लेगा एंड थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज़ देयर ब्रेन कैपेसिटी और वी कैन कॉल इट द क्रेनियल कैपेसिटी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली एग्जाम में पूछी जाती है मतलब अगर ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए एक तो इनका सीरीज और वी कैन कॉल इट सीक्वेंस सेकेंड इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो या फिर इनको कहेंगे जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स हैं एंड द थर्ड इज देयर क्रेनियल कैपेसिटी और ब्रेन कैपेसिटी तो स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमने कंपैरिजन तो कर लिया हमने सिमिलैरिटीज देख ली तो क्या डिफरेंस भी होगा ह्यूमन में और मंकी में इस देयर एनी डिफरेंस येस ओबियसली डिफरेंस तो है ही कि जो मंकी है वो चार पैरों से चलने वाला है लेकिन जो ह्यूमन है दे आर बाय पैडल दो पैरों से चलने वाले हैं मंकीज़ स्टिल उनकी जो बॉडी बेंट है बट ह्यूमन क्या है बिल्कुल इरेक्ट है मंकीज़ की कंप्लीट बॉडी में ग्रोथ की जो हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा थिक है बट इट इज़ नॉट सो मच थिक इन द ह्यूमंस उनका जो फेस है वो अभी भी लाइक इट इज यू शेप वेल इन द ह्यूमंस इट इज सी शेप और सर्कुलर शेप जो फेस है वो पाया जाता है ओके सो नाउ फर्स्ट जो जो सबसे पुराना फॉसिल पाया गया था ह्यूमन का वो था अराउंड फिफ्टीन मिलियंस ईयर अगो कुल मिला के पंद्रह मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन का सबसे पुराना फॉसिल पाया गया है मतलब वो क्या है मोस्ट कॉमन एंसेस्टर है एप का एंड ह्यूमन का मतलब उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स ह्यूमन के हैं बट वो ज्यादा कैसा नजर आता था एप्स जैसा बंदर जैसा ज्यादा नजर आता था लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसको दर्शाते हैं कि भाई अब ये जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया है सो कॉमन एंसेस्टर दैट वॉज ड्रायोपिथेकस क्या था ड्रायोपिथेकस इसको एक छोटी सी ट्रिक है इसको लर्न करने का लाइक डॉक्टर डॉक्टर डी से ड्रायोपिथेकस डी से डॉक्टर डॉक्टर राम डॉक्टर राम एंड हनुमान एचपोर हनुमान डॉक्टर राम एंड हनुमान तो एक बार इन्हीं पे डॉक्टर राम और हनुमान के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो डॉक्टर साहब के बारे में पढ़ते दैट इज ड्रायोपिथेकस जो सबसे पहला एंसेस्टर है वो कुल मिला के फिफ्टीन मिलियन ईयर्स अगो ये पाए गए थे इन साउथ अफ्रीका जो एरिया है रीजन है वहां इनके जो फॉसल्स पाए गए थे उससे क्या है ये फिर बाद में ईस्ट uh, अफ्रीका और इधर की तरफ मूव इन्होंने किया कंप्लीट हेयरी बॉडी थी देवर मोर एप लाइक जो ड्रायोपिथेकस है इट इज मोर एप लाइक कैसा है ये ज्यादा बंदर जैसा था तो इनकी जो बॉडी इट वॉज नॉट इरेक्ट इट वॉज सेमी इरेक्ट बेंट था बॉडी क्या थी बेंट बॉडी प्रेजेंट थी और ज्यादा ही क्या है पेड़ों पे इन पाए जाते थे तो दे आर ऑल्सो नोन एज द फॉरेस्ट ड्वेलर और फाउंड मोस्टली ऑन द ट्रीज आई बात समझ में चलो सेकेंड डॉक्टर हो गया राम के बारे में पढ़ते हैं तो रामापिथेकर्स दैट वॉज मोर ह्यूमन लाइक मोर मैन लाइक सीधी बॉडी थी स्ट्रेट बॉडी थी एंड इनके जो फॉसिल्स हैं वो शिवालिक हिल्स में पाए गए हैं कहाँ पाए गए हैं शिवालिक हिल्स में एक और आता है शिवापिथेकस शिवापिथेकस के फॉसिल्स भी शिवालिक हिल्स में पाए गए अच्छा अब जो ड्रायोपिथेकस पिथेकस और रामापिथेकस के जो फॉसिल्स हैं वो एनसीआरटी uh, भी कहती है कि दे आर अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो इनके मतलब पुराने हैं लेकिन कुछ साल पहले मतलब अराउंड टू टू फोर या थ्री टू फोर मिलियन ईयर्स अगो इनके जो फॉसल्स हैं वो तेंजान या इथोपिया में भी पाए गए हैं तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्टी स्टेटमेंट आ जाती है लेकिन अब जो है वो पढ़ना तो पड़ेगा तो अगर पूछ ले तेंजानिया और इथोपिया की तो इट्स अराउंड थ्री टू फोर मिलियन ईयरस अगो बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनसीआरटी की बात करें तो ड्राइव पिथेकस एंड रामापिथेकस देवर फिफ्टीन मिलियन ईयर ओल्ड ओके, okay. so, अगर इनमें यू पूछ ले कि कॉमन एनसेस्टर कौन सा है क्योंकि दोनों का नाम साथ साथ लिखा जाता है ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस एक ही साथ लिखा जाता है तो ड्रायोपिथेकस सबसे पुराना है मोस्ट कॉमन एनसेस्टर है ह्यूमन का सबसे पुराना और सबसे पहला पूर्वज है जो कि एप जैसा था और अगर इसी में पूछ ले कि भाई मैन जैसा कौन सा था जो थोड़ा सा सीधा था दैट वॉज रामापिथेकस नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड ए आ जाता है और इनको कहा जाता है एप मैन क्या बोला जाता है एप मैन और ये कितने साल पुराने हैं या फिर कब मिले थे टू मिलियन ईयर्स अगो इनके फॉसिल्स कब मिले थे टू मिलियन ईयर्स अगो और एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर रेमेंड डार्ट इनको एक पांच से छ साल के बेबी का फाइव सिक्स ईयर ओल्ड बेबी का जो स्कल है वो त्वांग साउथ अफ्रीका में मिला था इसीलिए उन्होंने उसको नाम दिया त्वांग बेबी और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम चेंज कर दिया रीनेम कर दिया दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रीकेनस किसने प्रोफेसर रेमेंड डार्ट ने कितने पुराने हैं टू मिलियन ईयर्स को तुआंग बेबी क्या है ऑस्टेलोपिथेकस का फाइव टू सिक्स ईयर ओल्ड बेबी का स्कल मिला था इसीलिए उसको तुआंग बेबी बोला गया किसने ढूंढा रेमेंड डार्ट ने अच्छा ये क्या थे फ्रूट खाने वाले थे क्या खाते थे फ्रूट खाते थे हर भी वो रस्सी थे लेकिन स्टोन को एज अ वेपन यूज करते थे क्या करते थे स्टोन को एज अ वेपन नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज अबाउट ब्रेन कैपेसिटी और क्रेनियल कैपेसिटी तो उनकी जो ऑस्टेलोपेकस हैं इनकी है अराउंड है कितनी? 600 इनका जो फेस है वो शेप था तो इस यू शेप फेस को कहा जाता है प्रोग्नेथस फेस क्या बोला जाता है प्रोग्नेथस फेस एंड देवर द फर्स्ट मैन टूड इलेक्ट यहां से भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि वो पहला सीधा खड़ा होने वाला मैन कौन सा था तो वो था ऑस्ट्रेलोपिथेक ना वेलकम टू हनुमान दैट इज होमोहेबिलस होमोहेबिलस देवर द फर्स्ट टूल मेकर और इनको हैंडीमैन भी कहा जाता है होमोहेबिलस को टूलमेकर या हैंडीमैन भी कहा जाता है दे आर अराउंड टू मिलियन ईयर्स अगो इनके जो ओल्ड हैं टू मिलियन ईयर ओल्ड हैं और कह सकते हैं इनके जो फॉसल्स हैं वो टू मिलियन ईयर्स अगो मिले थे पुराने हैं कहाँ पाए थे ओल्ड रोक्स किसकी ओल्ड रोक्स में अफ्रीका की अफ्रीका की ओल्ड रोक्स में डॉक्टर लिकी ने इनको डिस्कवर किया था किसने डॉक्टर लिकी ने किसको होमो हैबेलिस को एंड नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स ब्रेनी ब्रेन कैपेसिटी और क्रेनियल कैपेसिटी देन इट्स अराउंड 650 टू 800 हंड्रेड नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस वही एच में हनुमान जी आ गए सो होमो इरेक्टस इनका अराउंड 900 हंड्रेड सी सी ब्रेन कैपेसिटी थी और ये इनके जो फॉसल्स हैं वो 1.5 मिलियन ईयर्स पुराने हैं एंड इनमें एक अलग पॉइंट आ जाता है कि भाई ये मीट खाने वाले थे क्या खाने वाले थे मीट खाने वाले थे नाउ अब इन्हीं की होमो इरेक्टस की कुछ सब स्पीसीज आ जाती हैं किसकी है ये होमो इरेक्टस की सब स्पीसीज हैं जो आप यूजुअली कई बार इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हो तो जावा मैन है पहला सब स्पीसीज होमो इरेक्टस का जो कि जावा में 1891 में डिस्कवर हुआ था कब 1891 में और ये ऐसे पहले मैन थे जिन्होंने फायर को यूज किया किसको यूज किया फायर को यूज करने वाले फर्स्ट मैन थे इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है इट्स अराउंड 800 हंड्रेड टू थाउजेंड सी और कई बार एवरेज भी पूछ लेता है तो इट्स अराउंड 900 हंड्रेड सी सी देर ऑल्सो एज नेक्स्ट इज पैकिंग मैन तो जावा मैन किसका है होमो का सब स्पीसीज है दूसरा सब स्पीसीज क्या है पैकिंग मैन जो कि चाइना में इनके फॉसल्स डिस्कवर हुए थे किसने किए थे डब्ल्यू सी पाइने इसने डब्ल्यू सी पाइने इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 850 से 1300 हंड्रेड है एवरेज की बात करेंगे तो 1050 थाउजेंड इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है एंड ये शार्प चीजल शेप्ड टूल्स को यूज करते थे तो ये इन्हीं से क्वेश्चंस पूछेगा हैंडीमैन कौन था फायर किसने यूज की पहला जो मैन कौन सा था जो सीधा खड़ा होता था या ये किसकी सब स्पीसीज है इनको एक सीक्वेंस में लगाइए तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट आ जाता है इरेक्टस के बाद दैट इज होमोसेपियंस होमोसेपियंस वन मोर थिंग जो होमो होमोहेबेलिस है होमो इरेक्टस है इनको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक मैन क्या कहा जाता है प्री हिस्टोरिक मैन तो ये भी याद रखना मतलब इन सबको हम लोग प्री हिस्टोरिक मैन भी कहते हैं अब देखो यहां पे था डॉक्टर राम एंड हनुमान जा मतलब जापान का पहला आएगा जा जावा देन पी पी से पैकिंग आ जाएगा एन फॉर द मैन क्या आ जाएगा एन मैन डॉक्टर ड्रायोपिथिकस राम दैट इज रामापिथेकस एंड दैट इज ऑस्टेलोपिथेकस हनुमान जिसमें एच के अंदर आपका होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस आ जाएगा जापान जा रहे हैं जापान में क्या है दैट इज जे ए फॉर द जावा पी ए फॉर द पैकिंग मैन एन फॉर द नियंडरथल मैन जो कि होमो सेपियंस से बिलोंग करते हैं या कहेंगे कि दे आर द सब स्पीसीज ऑफ सेपियंस कुल मिला के एक लाख से चालीस हजार साल पुराने हैं ये इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो फोर्टीन हंड्रेड सी सी है सबसे ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट मैन है ये कहां पाए थे नियंडरथल वैली ऑफ जर्मनी जर्मनी की जो नियंडरथल वैली है वहां पे ये पाए गए थे किसने फुल ने किसने फुल ने और ये वो इंसान थे जो या वो ह्यूमन थे जिन्होंने अपने शरीर को जलाया आ, मिट्टी में दबाया सॉरी नोट जलाया और कहा कि आत्मा अमर है क्या कहा इन्होंने कि जो आत्मा है वो अमर है सो दे बरीड डेड बॉडीज एंड दिस से दैट सोल इज इमोर्टल आत्मा अमर है कभी नहीं मरती नेक्स्ट सब स्पीसीज आती है दैट इज क्रोमैगने जो कि इसकी ब्रेन कैपेसिटी क्रेनल कैपेसिटी है 1600 हंड्रेड सी सी लेकिन अब इनका जो फेस है वो आ गया सेमी सर्कुलर सी शेप बोल दो सेमी सर्कुलर बोल दो मतलब यू से अब वो सी शेप आ गया है दैट इज ऑल्सो नोन एज फेस क्या कहेंगे ओर्थोग्नेथस फेस फिर ये पेंटिंग वेंटिंग करते थे बहुत अच्छी ड्राॅइंग्स वगैरह बनाते थे तो इनको प्री हिस्टोरिक आर्ट के लिए भी जाना जाता है किसको क्रोमैगन को तो अच्छा खासा दिमाग था यूज करते थे पेंटिंग वगैरह करते थे एंड द लास्ट इज मॉडर्न मैन सेम है अराउंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड से थाउजेंड ईयर्स अगो इनके फॉसिल्स पुराने हैं इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है इस अराउंड थर्टीन हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड सी और इनका जो फेस है वो कैसा है ओर्थोग सो so, ये किसके बारे में था ह्यूमंस के बारे में ह्यूमंस के एवोल्यूशन के बारे में ओल्ड मंकी ओल्ड वर्ल्ड मंकी न्यू वर्ल्ड मंकी इनके सीक्वेंस इनकी क्रेनियल कैपेसिटी इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन सबको डिस्कस कर लिया है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है इवोल्यूशन खत्म हो गया है इस चैप्टर के जो नोट्स हैं हैंड रिटन नोट्स हैं उसका जो लिंक पी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डाउनलोड कर सकते हो पढ़ सकते हो याद कर सकते हो नहीं समझ में आता है वीडियोज़ को बार बार देख सकते हो सो दैट्स इट फॉर टुडे इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू